तो वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार करता हूं आप सभी का स्वागत इस नई वीडियो में। तो गाइस जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा हम किसके बारे में यहां पे बात करने वाले हैं। तो गाइस हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपने मोबाइल फोन में अपना व्हाट्सएप में कैसे फ्रंट को चेंज करना है, कैसे उसे चेंज कर सकते हैं, इसी के बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। गाइस कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को चैटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्रंट है एक ही जैसा बार बार चैटिंग होते रहता है, मतलब उसमें कोई मजा नहीं आता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कैसे आप उससे अपने लिखावट को चेंज कर सकते हो, उससे फ्रंट को कैसे चेंज कर पाओगे, इसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल की घंटी भी दबाओ ताकि आपके पास नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए ले चलता हूं आपको अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे और वहां पे आपको सिखाता हूं कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप में अपना फ्रंट को कैसे चेंज कर पाओगे। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो कि हम अपने मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है ना यहाँ पे बगल में ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ देखने को मिलेगा कि कैसे हम इसमें अपना फ्रंट को चेंज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक प्ले स्टोर पे मतलब एप्लीकेशन आपको मिलेगी जिसका नाम है बबल कीवर्ड, शायद इसका आप नाम सुने भी होंगे। तो आप इसे एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये कौन सी एप्लीकेशन है। यहाँ पे बबल कीवर्ड करके सर्च करोगे तो ये एप्लीकेशन आपके सामने शो हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना है। जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, तो आपको इसे अलाउ कर देना है। गाइस मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ही आप अपने फ्रंट को यूज कर पाओगे व्हाट्सएप में हर एक तरह के। इसमें गाइस बहुत सारी चीजें दी गई है, बहुत ज्यादा चीजें दी गई है। तो यहाँ पे अलाउ कर देना है, यहाँ से आपको परमिशन इसे दे देना है इस एप्लीकेशन को। और मैं यहाँ पे आपका लैंग्वेज जो है आप अपने भाषा को चूज करनी है यहाँ पे, जो भी आपका भाषा है। तो चलिए हम इसे हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं या फिर कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बबल ऑल कीवर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे परमिशन देना है, इस बटन को यहाँ पे ऑन करना है। यहाँ से मैं इसे ऑन कर देता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ से कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे बबल कीवर्ड ऑप्शन पे आपको मतलब इस पे क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक ए का सिंबल दिया गया है, मतलब एक छोटा सा ए दिखा होगा आपको, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें फ्रंट आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। आप जिस फ्रंट में जिस स्टाइल में यहाँ पे टाइपिंग करना चाहते हो टाइपिंग कर सकते हो। जिसे आपको क्या करना है सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं इस वाले टाइपिंग को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि मैं इसे सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे इस बंदे को, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेंड हो जा रहा है। और यहाँ पे मैं दूसरा सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे मान लो कोई दूसरा सा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई अच्छा सा। अगर आपको यहाँ पे और भी ज्यादा लेना है तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, यहाँ पे टेल फ्रेंड पे क्लिक करके आप बहुत सारी चीजें ले सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पे अलग अलग चीजें यहाँ पे मुझे मिल रही है, बहुत सारी फ्रंट्स यहाँ पे स्टाइल में मिल रही है मुझे। तो जो भी आपको चाहिए आप बहुत ही आसानी से इसमें यूज कर सकते हो। आपको सिंपल यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको टाइपिंग करके यहाँ पे सिर्फ इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसमें बहुत ही आसानी से कोई भी टाइपिंग कर सकते हो, अपने फ्रंट को चेंज कर सकते हो। अगर आपको इस एप्लीकेशन के अलावा कोई और भी चीजें चाहिए, अगर आप इस एप्लीकेशन से मतलब संतुष्ट नहीं है, आपको और भी ज्यादा फ्रंट चाहिए तो मुझे कमेंट करो, मैं इसके लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आप बहुत ही आसानी से अपना फ्रंट को और भी ज्यादा अच्छा बना सके और भी ज्यादा फ्रंट अपने यूज कर सके अपने मोबाइल फोन में। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन में अपना फ्रंट चेंज कर सकते हो। और इसमें एक और फीचर है गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप इमोजी कुछ इस तरह से शेयर कर सकते हो। जैसे कि मान लो इस पे दबाए रखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मतलब शेयर होगी, मतलब कि यहाँ पे 3D एनिमेशन में यहाँ पे इमोजी इसमें शेयर होती है। और गाइस मैं आपको एक बात कहूँ तो यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह से मतलब इसमें जो भी सेटिंग है इस तरह से किया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं गाइस, जो भी आप अपने मोबाइल फोन में भाषा इसमें सेलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे क्या आपको सेलेक्ट करना है, आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप इंग्लिश में टाइप करोगे हिंदी में टाइप नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, उसके बाद बहुत ही आसानी से आपका ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में अच्छी तरीके से वर्क कर पाएगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आपको सब्सक्राइब करो और बेल की घंटी भी दबाओ ताकि आपके पास नए नए वीडियो नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।